अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या सुप्रीम आर्म और मैक्सिमम जो एक सेट के होते हैं, क्या ये ऑलवेज इक्वल। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट को हमेशा हॉन्ट करता है, और इसी का आज मैं रिप्लाई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैक्सिमम जो होता है वो एक सेट का, उसको हम डिनोट करते हैं एम ए एक्स ऑफ एस, और ये जो है वो सेट का लार्जेस्ट एलिमेंट होता है। मैक्सिमम की एक करेक्टरिस्टिक यह है कि हमेशा सेट का एलिमेंट होता है। अब ये एग्जिस्ट करें, जैसे एक सेट है, इसके चार एलिमेंट्स हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 7 है, तो इस सेट का जो मैक्सिमम है वो 7 है। ऑन द अदर हैंड सुप्रीमम जो है वो आपके पास सेट का, इसको हम डिनोट करते हैं SUV सुप ऑफ एस, और ये जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ एस। और सुप्रीमम जब एग्जिस्ट करता है तो ये लाजमी नहीं है कि सेट का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी। ये एक सेट टी है, इसका सुप्रीमम जो है वो 1 है, और देखें नोट करें कि 1 जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखते हैं कि व्हेन सुप्रीमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सेट आर इक्वल। अगर सेट फाइनाइट है, ये याद रख लें, कोई भी फाइनाइट सेट है तो उसका जो मैक्सिमम और सुप्रीमम वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी। ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा क्या सुप्रीमम और मैक्सिमम इक्वल हो सकते हैं, तो आपने कहना है कि व्हेन सेट इज फाइनाइट दे आर इक्वल। अब देखते हैं कि अगर सेट इनफाइनाइट हो फिर क्या होता है। जैसा ये एक सेट है, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। सेट है हमारे पास 0 1 इंटरवल, और इस सेट का सुप्रीमम जो है वो 1 है, लेकिन इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते। तो ये वो एग्जांपल है जहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू आ रही है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही। सो इनफाइनाइट सेट के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।